आगामी श्रावणी मेला को देखते हुए विशेष सघन चेकिंग अभियान रेल पुलिस पटना के द्वारा चलाई जा रही थी। हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस में उनके द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही थी, तो चार व्यक्ति जो मार्ची दल को देखे तो उनको संदेह उत्पन्न हुआ। उनके पास से एक जैसी कट्टा, चार जिंदा कारतूस और स्क्रीन कच्चा, सात मोबाइल, एक मिनट का टुकड़ा बरामद किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, मैं हूं अजय शर्मा। सावन माह का प्रारंभ हो चुका है और श्रावणी मेला को लेकर के अब ट्रेनों में जो शिव भक्त हैं उनका तांता लगना चालू हो चुका है और इनको शिकार बनाने के लिए जो नशाखुरानी गिरोह होते हैं, लूटपाट के गिरोह होते हैं, अब एक्टिव हो चुके हैं। और ताज़ा मामला आपको बताते हैं कि रेल पुलिस ने चार ऐसे नशाखुरानी और लूटपाट करने वाले गिरोह को जनशताब्दी ट्रेन से पकड़ा है, जिनके पास से 6 मोबाइल, जिंदा कारतूस और एक कट्टा भी बरामद किया गया है। यह जनशताब्दी एक्सप्रेस में यात्रा करते थे और यात्रा करके लोगों को लूटपाट का शिकार बनाते थे। जब इसकी सूचना रेल पुलिस को मिलती है तो त्वरित कार्रवाई करते हुए इन चारों बदमाशों को जेल के पीछे अब ढकेलने का काम किया जा रहा है। और तमाम ऐसे ही जब श्रावणी मेला का प्रारंभ हो चुका है, जिसको लेकर के अब रेल पुलिस पूरी तरीके से अपनी कमर कस ली है, सादे लिबास से लेकर के अब पुलिस लिबास में भी अब ट्रेनों में पूरी तरीके से सघन जांच अभियान चलाई जा रही है। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं रेल SP अमृतेंदु शेखर ठाकुर, जरा देखें। आगामी श्रावणी मेला को देखते हुए विशेष सघन चेकिंग अभियान रेल पुलिस पटना के द्वारा चलाई जा रही थी। इसी क्रम में महारक्षी दल जो प्रतियुक्त थे हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस में, उनके द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही थी, तो चार व्यक्ति जो महारक्षी दल को देखे तो उनसे संदेह उत्पन्न हुआ। और उसी क्रम में उनको जब चेक किया गया, उनके पास से एक जैसी कट्टा, चार जिंदा कारतूस और स्क्रीन टच, चार सात मोबाइल, एक मिनट का टुकड़ा बरामद किया गया। पूछताछ में पता चला कि ये कोई अपराध करने की योजना बना रहे थे और गहनता से जब पूछताछ की गई तो ये पता चला कि ये ट्रेन में लूटपाट का कार्य कर रहे थे और इनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है और इस संबंध में कांड दर्ज किया गया आर्म्स एक्ट का। और ये अपराधी हैं वीर अभिमन्यु कुमार, रजनीश कुमार, संजय कुमार, गणेश यादव, ये चारों पटना जिला के रहने वाले हैं और इनसे विशेष पूछताछ की जा रही है और इनका अन्य भी अपराधियों से संलिप्तता के बिंदु पर जांच की जा रही है। अभी तक सर कितना घटना को अंजाम दे चुके हैं इनसे? अभी इनसे पूछताछ की जा रही है, इन्होंने कोई अन्य घटना में संलिप्तता स्वीकार नहीं की है, लेकिन जो गहराई से पूछताछ की जा रही है उससे लग रहा है कि ये बीच में ये किसी न किसी घटना को अंजाम देते रहे हैं, क्योंकि ये प्रोफेशनली उसमें सवार थे। इनके पास से आर्म्स मिला है और जिंदा कारतूस मिला है, मोबाइल साथ मिला है और ब्लेड कट हुआ, तो ये कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे। इसमें मुख्य जो अभियुक्त है वो कौन है? नहीं, चारों एक ही तरह से हैं और चारों समान रूप से लागू है, इसमें कोई एक का नाम भी नहीं आया है मुख्य रूप से। अभी अपने आपराधिक इतिहास बिंदु पर अभी पड़ताल की जा रही है। नहीं, उसी बिंदु पर की ये ट्रेन में ही लूटपाट का कार्य करने का पता चला है और उसी बिंदु पर भी जांच पड़ताल की जा रही है। गिरफ्तारी ट्रेन से हुई है, जनशताब्दी एक्सप्रेस से पटना सिटी के पास। ये रहने वाले जो वीर अभिमन्यु है, ये रहने वाले हैं बख्तियारपुर थाना के, पटना जिला, रजनीश कुमार थाना मालिमपुर पटना, संजय कुमार बख्तियारपुर पटना, गणेश यादव बख्तियारपुर पटना। अरे इस बिंदु पर जाँच की जा रही है कि इनके पास हथियार कहाँ से आया, अवैध हथियार, गोली कहाँ से लाते थे, इस बिंदु पर अनुसंधान की जा रही है। इसके और भी साथी हैं या यही चार? नहीं, अभी ये इन्होंने अपने चार के बारे में ही बताया जो साथ में हैं और किसान लिखता पर इन सभी बिंदुओं पर जांच। हथियार लेकर कौन चारों में से कौन चलते थे सर? नहीं, जो तलाशी लिया गया तो एक जो मुख्य हैं इसमें वीर अभिमन्यु, इनके पास से देसी कट्टा और गोली मिला और अन्य बाकी जो इनके साथी हैं रजनीश कुमार, संजय कुमार, गणेश यादव, उनके पास से भी मिला है कारतूस और ब्लेड का टुकड़ा और स्क्रीन टच मोबाइल मिला है। ब्लेड का क्या काम करते थे सर? ये ब्लेड का जो चोरी करने का कार्य करते थे, ये जो सूटकेस है या कोई भी चीज़ है उसमें वो ब्लेड मार के उसमें से उसमें जो वैल्यूबल्स रहता था उसको निकाल लेते थे। अच्छा,
जनशताब्दी को इंतजाम करना नहीं, जनशताब्दी ट्रेन से ये यात्रा भी कर रहे थे और इनका निशाना कहीं और भी हो सकता है। पटना उतर के ये कुछ और भी घटनाकारित करने का योजना बना रहे थे और उसी में अभी पूछताछ लंबी पूछताछ की जा रही है, कई बिंदुओं पे अनुसंधान जारी है। टिकट भी इनके पास से बरामद किया गया? नहीं, टिकट नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि रेल एसपी अमरितेंद्र शेखर ठाकुर ने साफ तरीके से कहा है कि श्रावण मास का प्रारंभ हो चुका है और नशाखुरानी गिरोह के जो सदस्य हैं अब एक्टिव हो चुके हैं और इन पर लगाम लगाने के लिए रेल पुलिस अब पूरी तरीके से तत्पर है। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।